सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सच्चे पाशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज श्री अमृतसर तो मन विच कुछ विचार के चल पे। कई सिखां नूं उन्होंने अपने नाल लै लिया ते विशाल माझे देश नूं छड़ दिता। चार दिन श्री गोविंदवाल साहब विच ठहरे ते भल्लियां दे कुल परिवार नूं मिले। यथायोग आदर नाल उन्हां नूं मिल के ते ब्यासा नदी पार करके जिथे शकरगंध खूह बनाया है इत्थे आ के उतारा करके सुख पाया। उत्थे दरख्तां दी संघनी छां सी, ओह छां मन नूं चंगी लगन करके उत्थे डेरा ला लिया। उन्हां दे नाल बुद्धिवान ब्राह्मण जाति मलक भाई संघेड़ा अते भाई जेठा आदि होर सिख भी सन। अमिया हेहर किसान भी गुरु जी दे नाल सी ते मेहरू रंधावा ते भाई गुरदास जी भी गुरु जी दे नाल सन। तद इस थां एक छोटा जिहा पिंड वसदा सी, कई किसानां ने घर बनाए सन। भाई सद्दू भाई बूढ़ा अते भाई पिराणा इत्यादक उन्हां दे नां सन। सारां नूं सतगुरु जी ने बुलाया, सुन के कई भेटावां लै के आए, वंदना कर करके पास बैठ गए ते सुखां दी रास भाव गुरु जी दे दर्शन करदे सन। उन्हां सब वल वेख के मालक गुरु जी ने नगर वसाउण दी गल कीती, सानू मंगी हुई जमीन दिओ, असी इस स्थान ते नगरी वसाईए, तुहानू सारे सुख प्राप्त होणगे, गुरु दी नगरी वसेगी तां कारोबार वधेगा, बहुत लोकां ते तुहाडा परोपकार होवेगा अते गुरु दी सेवा उत्तम सफल होवेगी। जां दो तीन किसानां दीआं धिरां ने गुरु जी दे अजिहे बचन सुने तां इक धिर गुरु जी दे बचनां अनुसार हो गई। हाथ जोड़ के उसने बेनती की, हे सच्चे पातशाह, ये सब आप दी ही जमीन है, नगर वसा के साड़ी पालना करो, आप वस के सेवकां दा उदार करो, आप जी दे दर्शन करके हमेशा आनंद पावांगे, साथों चंगे होर किस दे भाग होणगे। सतगुरु जी सुन के प्रसन्न हो गए ते कोमल वचन बोल के खुश हो गए। जब दूसरी धिर नूं पुछया ता उस शरदाहीन ने तद कहा, साढ़े बहुत मनुख हन, धरती थोड़ी है, पहला ही समाउंदे होए नहीं दिसदे हन, इस करके साथों धरती दित्ती नहीं जानी, ये सच्ची गल तुहानू दस दित्ती है। ये सुन के गुरु जी सह सुभा बोले, मनुख थोड़े हो जाणगे ते धरती बहुत रह जाएगी, प्राणी सदा ही खत्म हो जाते हैं ते धरती इस प्रकार ही स्थिर रहिंदी है। जिस पास बहुत धरती है उसने दित्ती है, उसदे बहुत मनुख वधणगे, ये वेख लेना। इस तरह एक धिर नूं गुरु जी ने कठोर वचन कहे ते दूसरी नूं श्रेष्ठ वर दे दिता। नगर वसाउण दी चित विच चाहत सी, अपने डेरे विच ही निवास कर रहे सन। जद वेख्या एक दो दिन बीत गए हन तां बेलदार ते मजदूर बुलाए, सारे फिर के एक सुंदर स्थान वेख्या। बाबा बुढ़ा जी भाई भगतू जी आदि जिहड़े गुरु जी दे दर्शन करके आनंद पाउंदे सन, उन्हां पासों बहुत मिठा प्रसाद मंगवाया। पहला श्री गुरु नानक देव जी नूं ध्याया, फिर सारे गुरु साहिबानां दे नाम याद कीते ते सुंदर रीति अनुसार अरदास कीती। सतगुरु जी सहित सब ने सिर निवाया, फिर सारयां दे विच प्रसाद वरताया। फिर बेलदार नूं आग्या कीती, नगर दे चारे पासे पक्के किले दी उसारी करो। गुरु जी का हुक्म सुन के उसने कही चुकी ते मिट्टी पुट्टण वास्ते धरती ते मारी। जद ओह हिलिया तां उसकी पग डिग पई। सारे लोगों ने मन विच शंका की। श्री गुरु अर्जन देव जी ने सारे दे दिल की गल जान ली ते मुस्कुराते हुए ओह बोले, कमान चढ़ा के जो इस नगरी ते चढ़ के आवेगा वह पगड़ी उतरवा के अपने घर जाएगा। जंग जितण दा इह स्थान है, तुरक बेईमान होण ते मारिया जाएगा। गुरु घर की अचल नीह है, यह कितें नहीं जाएगी, सदा रहेगी।
इस तरह कह के सारा का भरम दूर किया। बहुत मजदूर काम करन लग गए। मिट्टी नाल किले की उसारी करके चारे पासे सुंदर उच्ची दीवार बना दिती। फिर घर बनाउण दा हुक्म दिता। फिर गुरु जी ने नगरी का सुंदर नाम रख्या। इस नगर का नाम सब अमीर गरीबों विच श्री करतारपुर साहब प्रसिद्ध होवेगा। श्री गुरु अर्जन देव जी ने लोगों को बुलाया ते मान ते दान दे के बहुत लोगों को शहर दे विच वसाया। संघना ते सुंदर बाजार बनाया। फिर नगर विच घर बनन लगे। बहुत गरीब ते अमीरां दे अनुसार छोटे वड्डे घर बनाउण लगे। किसानां नूं जिहड़ा वर ते कठोर वचन कीते सी जिवें कहा सी उस तरह ही होया। यह सारी संगत ने अखां नाल वेख्या। तुरकां विचों जिहड़ा भी चढ़ाई करके आया हार के भज गए। भाव पग लुहा के चले गए। श्री गुरु जी का बचन पूरा होया। जद करतारपुर वसाउण लगे अपने वसेबे वास्ते गुरु जी ने सुंदर स्थान वेख्या। इत्थे घर बनाओ गुरु जी ने आग्या की। तुरंत मसंदा ने काम आरंभ कर दिता। कारीगर बुला के लगवाए। बहुत वड्डा सत्संग घर बनाओ गुरु जी ने फरमाया। घर बनाउण वाले राज अते सारे मसंदा ने मिल के हाथ जोड़ के बेनती की। हे प्रभु जी, दुआबे देश विच बहुत मोटी लकड़ी नहीं मिलती। मोटी लकड़ दे बगैर वड्डे घर किवें बन सकते हैं जिथे सभा का इकट्ठ बैठ सके। सतगुरु जी ने सुन के बचन किया। दूर नेड़े जिथे भी भारी लकड़ी मिल सकती है उसकी खोज करो। जिन्हें मुल नूं भी मिलती है दे के लियाओ ता कि कारज पूरा होवे। जिवें मोटी लकड़ी लग के घर बने उस तरह बनाओ ते बहुत धन दिओ। यह आग्या सुन के सारे मसंदा ने जिथे कितें मोटी लकड़ लभण वास्ते अपने बंदे भेजे। जिथे भी मोटी लकड़ प्राप्त होवे खबर करो ता कि जाके तुरंत ले आईए। जो भी तन वह लैना चाहन असी देंगे। गुरु जी का हुक्म है कि घर वड्डे बनाने हैं। इधरों उधरों मनुख लभण लगे। जिथे भी मोटी लकड़ मिल सके बहुत पिंडा में जाके वेख्या पर अजिही लकड़ किसे स्थान तो भी ना मिली। श्री गुरु अर्जन देव जी के पास एक मसंद आया तो उसने बेनती की। मोटी अते लम्मी लकड़ दूर नेड़े दे पिंडा विच किसे स्थान ते भी नहीं है। हर थां जाके असी वेख लिया है। जे प्राप्त होवे तां धन दे के मंगवाईए। जिवें तुहाडा हुक्म है फिर उस तरह का ही घर बनाईए। अगे जिवें आप जी की मर्जी है जिवें सतगुरु जी चाहुण उस तरह करांगे। जद मसंदा ने इस तरह उचारण किया उस समय एक सिख सभा विच बैठा सी। हाथ जोड़ के उसने बेनती की। एक महान वड्डी टाली खड़ी है। उस वर्गी दूर नेड़े होर कोई टाली नहीं है। वह बहुत मोटी अते लम्मी है पर सतगुरु जी तो बगैर वह हाथ नहीं आनी। होर कोई भी उसनों काट नहीं सकता। उस टाली विच कोई शक्ति वसदी है। उसनों वसदियां बहुत लम्मा समा बीत गया है। वीहां वीहां कोहां दे पिंड उस टाली नूं मानदे हन ते जा के प्रणाम करदे हन। बहुत वस्तां उसनों अर्पण करदे हन ते अनेक कामनावां हिरदे विच धारण करदे हन। हर थां तों मनुख सीस निवाउंदे हन। डरदे उसनों छेड़दे नहीं अते ना ही त्रिस्कार करदे हन। यह सुन के सतगुरु जी ने बचन किया। उस थां कोई सिख जावे वह जाके उस टाली नूं वड्डे जिस नाल घरां दा कारज सुधारीए। यह सुन के भाई पीराणा उधर चल पए जिथे बहुत मोटी टाली खड़ी सी। हाथ विच कुहाड़ा अते तरखाण नूं नाल लै के गुरु जी का सिमरन करता उत्थे चला गया। जाके टाली नूं वेख्या बड़ी खरी सोहनी अते निगर टाली खड़ी सी। जिहड़े तरखाण नूं नाल लै के गया सी उसका नाम सधारण कहिंदे सन। जिहड़ा तन मन तों गुरु जी का पक्का सिख सी उसने सारी टाली नूं चंगी तरह वेख्या। उस टाली का एक वड्डा भारी थंभ भी बनता सी जिस उत्ते सुंदर मंदिर बन सकता सी। वह दृढ़ तौर पर सब भार सह सकता सी अते बड़ा सख्त दिखाई दिंदा सी। बहुत पुरानी टाली होण करके उसकी सारी लकड़ी पक्की सी। उसके बराबर होर किते भी प्राप्त नहीं सी।
घर की उसारी समय जो होर काम पवेगा उस वास्ते डाणियां दी जो लकड़ी है वह लग जाएगी। नेड़े हो के हाथ विच कुहाड़ा लैके टाली नूं कट्टण वास्ते बड़े जोर नाल वार कीता। जद वह वार टाली नूं लगा तां टाली नूं थोड़ा जिहा ही टक लगा। तद टाली दे रुख विचों एक आवाज़ आई, हे पिराणे मेरी गति बारे सुनो, मैं बहुत देर तो इस टाली विच वसदा हाँ, तू हुण पहुँच के इसका विनाश कर देगा। गुरु अते गुरु दे सिख अनंत हन, उन्हां उत्ते मेरा वस नहीं चलता। मैं सतगुरु जी का कुछ नहीं विगाड़िया है, फिर वह मेरे आवास नूं क्यों ढाउणा चाहते हैं। जगत दे विच मेरी बहुत पूजा है, लोग बहुत उपहार लिया के अर्पण करते हैं, तुसी इत्थों हट जाओ, इस ब्रिश का नाश ना करो, गुरु जी अगे मेरी बेनती करो, शरण पए की मेरी रख्या करो, अपना जान के रख लवो। इस तरह कह के सारी विथ्या सुनाओ, जिमें गुरु जी का हुक्म होवे सुन के आ जाओ। ये सुन के तरखाण अते भाई पिराणा दोवें यह आश्चर्य वेख के बहुत हैरान होए। आपस विच कहण लगे, ये गल चंगी नहीं, इस दरख्त ते सदा ही अपना वासा रखना चाहता है। फिर बहुत दीन हो के बेनती करता है, इस विच हंकार आदि की कोई गिणती नहीं है, एक बार गुरु जी के पास सुनाते हाँ, फिर आके दरख्त नूं वढ लवांगे। ये कह के नगर वाले पासे चले गए अते उत्थे पहुँच गए जिथे श्री गुरु अर्जन देव जी बैठे सन। जाके हथ जोड़ के बेनती की, हे प्रभु जी, वह ब्रिछ बहुत भारी है। जद असी उसनों वढ़न लगे तो उस विचों एक आवाज़ निकली, मेरा तुसी काम क्यों विगाड़ते हो, पिंडां दे लोग मेरी मानता करते हैं तो भांत भांत दियां भेटावां चढ़ाते हैं, दरखत दे नष्ट करन नाल मेरी सारी मानता नष्ट हो जाएगी तो कोई भी नर नारी मैनू जान नहीं सकेगा। ये मेरी विथ्या गुरु जी नूं सुनाओ, फिर उस तरह करो जिवें गुरु जी फरमाउण। उस समय श्री गुरु अर्जन देव जी जिन्हां दा हिरदा बहुत कोमल ते विशाल किरपालू है, वह बोले, असी उस दे पास जांदे हाँ ते सब प्रकार धीरज देंगे। इस तरह कह के पालकी विच चढ़ के चल पए, उस ब्रिछ नूं वेखण चले गए जिसका वढ़ना भला है। बहुत सेवक गुरु जी दे नाल गए जिहड़े ये सुन के बड़े हैरान होए कि दरख्त बोलता है। हौली हौली चल के उस दे नेड़े पहुँच गए। जद सारयां नूं आके खड़ोते वेख्या तां फिर आवाज़ आई ते सनिमर हो के उसने नमस्कार कीती ते उस समय बेनती करन लगा, हे प्रभु जी, तुसी सारयां दे सुखां दे दाते हो, मेरे निवास स्थान दा क्यों घात करदे हो, मैं गुरु घर दा कोई काम नहीं विगाड़िया है, मेरा की अपराध विचारिया है, दूर नेड़े दे बहुत पिंड हन, वह मेरे अगे खलो के सिर निभाते हैं, टाली दे दरख्त नूं ना वेख के सब हट जाणगे, फिर कोई भी मैनू भेट आदि नहीं देवेगा। यह सुन के सतगुरु जी ने धीरज दिता, यह देश वड्डे रुखां तों सखना है, मोटी लकड़ लभदे रहे हाँ पर किसे थां तों वी मिली नहीं है, असी अपना घर बनाउणा चाहते हाँ, घर वास्ते यह दुर्लभ लकड़ी वेखी है, हर कोई दरख्त इस वर्गा नहीं है, तेरी मानता नूं नहीं विगाड़ांगे, जिथे थम दे के घर दी उसारी करांगे उस थां तेरी पूजा होवेगी, वह पूजा इत्थे नालों भी ज़्यादा वध जाएगी, पहला वह तेनू मनणगे बाद विच साडे दर्शन करनगे, उत्थे सौखे ढंग नाल रहो, तेरी अनेक प्रकार नाल महान मानता होवेगी, चित विच किसे प्रकार की चिंता ना करो, पहला नालों यह पूजा दुगणी हो जाएगी। सतगुरु जी पासों इस तरह सुन के वह हिरदे विच बहुत प्रसन्न हो गया ते बंधना करके चुप हो गया। अपना हित दरख्त दे कटन विच ही जाणिया, गुरु जी ने फिर मुक्तों फरमाया, हे सधारण तरखाण सुनो ते वेखो, जिन्ना स्तंभ रखना है मिनती करके भली प्रकार सुधार लो, सब विधियां करके उसनों इस थां तैयार कर लो, उसका भार हौला हो जाएगा, फिर गड्ढे ते रख के लै आवो, बहुत बल्द उस दे नाल जोड़ो। ये कह के सतगुरु जी नगर नूं वापस आ गए।
सारे सेवक श्रेष्ठ जस करते सन। फिर कुहाड़ा लैके तरखाण दरख्त नूं कट्टण लग गया, सारा दरख्त जड़ तों ही वढ दिता। बहुत लोगों ने लग के उस दरख्त नूं डेग दिता ते सारे डाणे अते टहणियां कट दित्तियां। मिण के जिन्नी मिणती चाहीदी सी उन्नी मोटी लकड़ी रख ली, चंगी तरह कट के सारा गोल कर लिया ते सुंदर रूप वाला बना के उत्थे धर दिता। एक गड्ढा मंगवा के उसनों कई बल्द जुते ते बहुत मनुखा ने मिल के स्तंभ नूं गड्ढे उत्ते चढ़ा दिता। बड़े यतना नाल उसनों लैके आए ते जिथे घर बनाउंदे सी उत्थे रख दिता। श्री सतगुरु जी वेखण वास्ते आए, बहुत सुंदर कड़िया है सारयां नूं कहिंदे सन। तद जद कारीगर नूं वेख्या तां खड़े करन दी व्यों ते विचार कीती। बहुत मनुखां ने इकट्ठे हो के चुक लिया ते चंगे थां ते खड़ा कर दिता। सवा नौ हथ थंबा चाहुंदे सन, घट वेख के हिरदे विच बहुत हैरान होए। अठ उंगलियां घट हो गया, जद मिण के वेख्या तां कम विगड़िया जाणिया। इस वर्गा होर किते लभ नहीं सकदा तां फिर घर किस दे आसरे बणे। गुरु जी अगे फिर बेनती कीती, प्रभु जी वड्डा काम विगड़ गया है, दुर्लभ लकड़ी जड़ी बड़ा यतन करके लई सी वह अठ उंगलियां घट निकली है, सारा घर का काम विगड़ जाएगा जे उस उत्ते हुण चिणाई करांगे तां होर उपा नहीं बन आउणगे, उस तरह ही करिए जिस तरह तुहानूं चंगा लगे। यह सुन के सतगुरु जी उत्थे चल के आए जिथे खंभा घट होया खड़ा सी। घर दे बण विच विघन पै जाण करके सारे मनुख खड़े हो के वेख रहे सन, पछताउंदे सन अते मुख नाल कहिंदे सन, इस वर्गा हुण कित्थों लभांगे। भारी दरख्त वढ के गवा दिता है, घर का काम भी नहीं होया है। गुरु अर्जन देव जी ने घट होए थंब नूं वेख्या, जिहड़ा बहुत मोटा दरख्त वढ़िया सी व्यर्थ गया है। गुरु जी ने अपने मुख तों फरमाया, गुरु घर वास्ते यह दरख्त वढ़िया ते कढ़ाया है, अपनी खुशी नाल यह पहला बहुत डाणियां समेत वध्या होया सी। इस घर विच सदा सत संगत अते सत नाम दा रात दिन सिमरन हुंदा है, इस करके साडे कहे ते यह विशाल वधे जिन्ना भी यह चाहुंदा है। सारे मनुख खड़े होए वेख रहे सन, तुरंत अठ उंगलियां वध गया जिन्ना ओह कारीगर चाहुंदे सन। ओह सारे हिरदे विच बहुत हैरान होए, खंभे नूं खड़ा करके बहुत प्रसन्न होए ते रहण वास्ते घर बनाए। जिन्नी संगत चल के आउंदी सी पहला खंभे नूं भेटा दे के सीस निवाउंदी सी, बाद विच गुरु जी दे दर्शन करदी सी। इस तरह इस स्थान दी भी बहुत मानता हो गई। बहुत लंबे समय तक ओह घर विच रहा, उस तरह ही उसकी पूजा हुई जिवें गुरु जी ने कहा सी। जद खालसे दा राज आया तुरकां नाल वैर वध गया, पछम वाले पासे तों विकराल मुसलमान इकट्ठे हो के आए, उन्हां नाल बहुत सिंह लड़के शहीद हो गए, वैरियां दी इत्थों तक पहुँच हो गई। फिर मूर्ख पूजा स्थान वेख के बहुत लकड़ां इकट्ठियां करके लियाए, उन्हां लकड़ां नूं थंब दे चारे पासे धर के तुरंत अग ला दित्ती। तुरंत बहुत उच्ची चीख वजी जिस नाल कुछ मुसलमान मर गए ते कुछ बेहोश हो गए। थंब उसे वेले धरती विच प्रवेश कर गया, उसनों फिर किसे तरह भी किसे ने नहीं वेख्या। हुण तक जिहड़ा सिख जांदा है भेट अर्पण करके सिर झुकाउंदा है। प्यारी साध संगत जी, जिस स्थान ते ओह थंब खड़ा सी उस स्थान ते एक बहुत ही सुंदर गुरद्वारा सुशोभित है। लखां ही संगतां गुरद्वारा श्री थंब साहब दे दर्शन करदियां हन ते गुरु जी दियां बख्शिशां प्राप्त करदियां हन। दास भी दो वार श्री करतारपुर साहब जा के इस गुरद्वारा साहब दे दर्शन करके आया है। आप जी भी जदों श्री अमृतसर साहब दरबार साहब मत्था टेक के आओ तां रस्ते विच श्री करतारपुर साहब आउंदा है, उत्थे जरूर जा के गुरु जी दियां बख्शिशां प्राप्त करो जी। उत्थे होर भी स्थान हन, श्री करतारपुर साहब विच सत इतिहासिक गुरद्वारे हन जिन्हां दे दर्शन करके मन नूं बहुत शांति प्राप्त हुंदी है। होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी जी, दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।